जा रही हूँ। वेयर इज अज्जू? कौन? अज्जू को नहीं जानती? अज्जू? अजय? अजय माधव? हाँ, अजय तो यहीं पर रहता है। पर आप कौन? पहले मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, दूसरे सवाल मत पूछो। यही मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। तुम काम वाली हो? काम वाली हूँ मैं? देखो, काम वाली को सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। पौधों को पानी डालना, सारे बर्तन धोना, कपड़े अच्छे से धोना, घर को साफ रखना और इसके बाद खाना बनाना, यही तो कामवाली का काम है। मेहमानों की पूछताछ करना उसका काम नहीं है। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर टू यू? अंकल, गुड मॉर्निंग। अंकल, गुड मॉर्निंग। अज्जू कहाँ है? अंदर है। बाय। यहाँ आराम फरमा रहे हैं, हम भी दिखाती हूँ। की बेंगलुरु की बेंगलुरु की बेंगलुरु की उसकी दोस्त है। अच्छी दोस्त। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं हुई आका। नहीं अंकल। यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इन सबको अंदर लेकर जाओ। त्योहार शुरू होने वाले हैं, 3-4 दिन ये यहीं रहेंगे। तुम्हें बिना बताए ही नहीं यहाँ बुला लिया, कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमें देखकर खुश हुआ, है ना अज्जू? तुम्हारे पापा को तुमसे ज्यादा तमीज है, उन्होंने हमारे लिए स्पेशल गाड़ी भी भेजी अपने खास आदमी के साथ। अज्जू, इन लोगों को कहाँ ठहरा? नीचे वाले गेस्ट रूम में। अज्जू की बेंगलुरु की बेंगलुरु की उसकी दोस्त है। क्यों भाई, लज्जो के लिए घोड़ी चढ़ने वाले हो? अरे ऐसा कुछ नहीं यार। तो तुम उससे शादी करोगे? अरे वो बात दरअसल ये है कि वो मेरे पापा की दोस्त की बेटी है। एक एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा गुजर गए थे, तब से वो यहीं पर है। वो मेरे साथ ही पली बड़ी है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम लोग सोच रहे हो। सब लोग नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूँ। सब तैयार हो जाओ, आज हमारे ग्राम देवता को आभूषणों से सजाने वाले हैं। बहुत ही देखने लायक नजारा होगा। शुड बी इंटरेस्टिंग। ज्यादा मत सोचो, अज्जू के लिए उसके मन में जरूर कुछ खास जगह है, शायद वो प्यार भी हो सकता है। यू बेटर बी केयरफुल। इधर आओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो लड़की कहाँ है? अज्जू, चलो इधर आओ। देवरों से देवता को सजाया जाएगा। तू सिर्फ हाँ बोल यार, हम उनकी सारी हकड़ी निकाल कर देखना उन दोनों के ही पिछवाड़े में डाल देंगे। नहीं यार, पापा को ये पसंद नहीं आएगा, और जो पापा को पसंद नहीं आता वो मैं कभी नहीं करता।
नंदा, जानती हो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात क्या है? चंद्रगिरी के माधव के बेटे के रूप में जन्म लेना। सही कहा, दुनिया वाले चाहे जो भी सोचे, तुम्हारे पापा वाकई अच्छे हैं। हम तो चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े ना, तो हमें बस खबर भेज देना तुम। कितना भी बड़ा गुंडा या मवाली क्यों ना हो, हम उसे यूं ठिकाने लगा देंगे। मेरी बस पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, फिर तो यहीं आना है मुझे। पापा के साथ यहीं बस जाऊंगा, लेकिन हमारी दोस्ती और तुम सब लोगों का साथ, ये सब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन प्रार्थना करता हूं कि ऐसा मौका कभी ना आए।